हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे दोस्तों एक्सेल के टॉप 10 फॉर्मूलास के बारे में। चलिए दोस्तों जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप देखें दोस्तों, मैंने यहाँ पे आपके सामने एक टेबल बना रखी है, जिसमें मैंने दोस्तों यहाँ पे फिगर नंबर, यहाँ पे नेम, यहाँ पे सब्जेक्ट के नेम और यहाँ पे दोस्तों हमारे कुछ मार्क्स एंटर्ड है। और यहाँ पे मैंने दोस्तों कुछ फॉर्मूला लिखे हुए हैं, जैसे कि सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, काउंटेड, काउंट ब्लैंक, काउंट एफ और यहाँ पे दोस्तों लैन और ड्रिंक। ये हैं दोस्तों हमारे टॉप 10 एक्सेल फॉर्मूला जो कि हम दोस्तों आज सीखेंगे। तो फिर कैसे लेते हैं दोस्तों अपना सम फॉर्मूला। तो यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट और यहाँ हम कर लेंगे अपनी रेंज को सिलेक्ट, यहाँ से ब्रैकेट को और एंटर। तो आप देखें दोस्तों कि यहाँ पे हमारे और सब्जेक्ट का सम यहाँ पे आ चुका है। एक और हम ट्राई कर लेते हैं, यहाँ पे इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ से कर लेंगे अपनी रेंज को सिलेक्ट, यहाँ से ब्रैकेट कोड और एंटर। तो अब देखें दोस्तों कि यहाँ पे भी हमारा सम आ चुका है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसे हमारे करेंगे ड्रैग। ओके फ्रेंड्स, तो अब देखें दोस्तों कि यहाँ पे हमारा सम में फॉर्मूला लग के आ चुका है। अब सारे दोस्तों हमारे एवरेज, तो यहाँ लगाएंगे इक्वल टू एवरेज, यहाँ कर लेंगे अपनी रेंज को सिलेक्ट, यहाँ से ब्रैकेट को और एंटर। तो आप देखें दोस्तों कि यहाँ पे इसका एवरेज इक्वल टू 62.2। उसे करते हैं फाइंड अपना इक्वल टू एवरेज, यहाँ पे टैप प्रेस, यहाँ से कर लेंगे अपनी रेंज को सिलेक्ट, यहाँ से ब्रैकेट को और एंटर। तो आप देखें दोस्तों कि हमारा यहाँ पे एवरेज आ जाए 37। तो सिंपली सेम करेंगे इसको भी यहाँ से पकड़ के ड्रैग। उसे करेंगे इक्वल टू मिनिमम, उसे टैप प्रेस और यहाँ से कर लेंगे अपनी रेंज को सिलेक्ट, यहाँ से ब्रैकेट क्लोज और एंटर। यहाँ पे आ रहा हमारा फिर से 25 जो कि दोस्तों हमारा साइज में है। अगर दोस्तों हम यहाँ से इसे चेंज करेंगे जैसे कि 15, तो अब देखें दोस्तों कि यहाँ पे इसका मिनिमम चेंज हो गया हमारा 15। सेम इसे पकड़ के यहाँ से कर देंगे ड्रैग। सारे दोस्त हमारे मैक्सिमम के, मैक्सिमम होता है दोस्त हमारा हाईएस्ट नंबर, दोस्त हमारा हाईएस्ट नंबर के सब्जेक्ट में है, यहाँ लगाएंगे इक्वल टू मैक्सिमम ब्रैकेट स्टार्ट और यहाँ से कर लेंगे अपनी रेंज को सिलेक्ट, यहाँ से ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देखना दोस्तों कि हमारा मैक्सिमम मार्क्स आ चुका है, मतलब हमारे सबसे हाईएस्ट मार्क्स। तो हमारे यहाँ दोस्तों इंग्लिश में 65, अगर हम इसे यहाँ पे चेंज करते हैं 95, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा मैक्सिमम इसमें हो चुका है। तो सेम यहाँ कर देंगे इसको ड्रैग। तो अब देखें दोस्तों की फॉर्मूला हमारा सब में अप्लाई हो चुका है। अब सारे दोस्तों हमारे काउंट की, यहाँ लगाएंगे इक्वल टू काउंट, यहाँ से ब्रैकेट को और यहाँ से कर लेंगे अपने रेंज को सिलेक्ट, यहाँ से ब्रैकेट को और एंटर। इतना दोस्तों हमारे रेंज में कितने नंबर है वो काउंट की, जैसे कि यहाँ करेंगे एफ टू, तो अब देखने से हमारे रेंज में सिर्फ नंबर ही नंबर है। तो यहाँ पे लिखा है 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे दोस्तों स्टार्ट होता है 5 डिफेंड, और इसके अकॉर्डिंग दोस्तों हमारा काम करता है काउंट के। काउंट है दोस्तों हमारा नंबर प्लस एक्स दोनों काम करता है। तो यहाँ लिखेंगे इक्वल टू काउंट ए, यहाँ टैप प्रेस, अब कर लेते हैं आपके रेंज को सिलेक्ट जिससे दोस्तों हमारा नेम भी शामिल है, यहाँ से ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देखें दोस्तों कि यहाँ पे आउटपुट आ रहा है 6। तो चलिए इस वाली रेंज को भी कर लेते हैं हम यहाँ से चेंज, तो आप देखें दोस्तों कि हमारा काउंट ए में आउटपुट आ रहा है 5, इसलिए दोस्तों इसने नेम को काउंट नहीं किया है। 1, 2, 3, 4, 5 ये सिर्फ नंबर ही काउंट कर रहा है, यहाँ पे इसने टेक्स काउंट नहीं किया है। जैसे दोस्तों हमारा काउंट ए ने हार्ड टेक्स भी काउंट किया है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके फ्रेंड्स, तो ये है दोस्तों डिफरेंस दोनों में, काउंट और काउंट ए में।
काउंट हमारा सिर्फ नंबर काउंट करता है और काउंटिंग नंबर प्लस टैक्स दोनों काउंट करता है, पर दोस्तों ये दोनों ही हमारे ब्लैंक काउंट नहीं करते हैं। सपोज करिए कि मैं यहाँ से मैथ का मार्क्स डिलीट कर देता हूँ, तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि दोनों में से यहाँ से एक डिलीट हो गए, इसलिए दोस्तों दोनों में ही ब्लैंक काउंट नहीं किया है। 1 2 3 4 इसका आउटपुट आएगा दोस्तों 1 2 3 4 5। तो फ्रेंड्स यहाँ से कर दूंगा कंट्रोल जेड, इसमें भी हमारा कोई भी ब्लैंक नहीं है, इसलिए हमारा अभी जीरो आ रहा है। जैसे मैं दोस्तों यहाँ पे किसी भी सेल में डिलीट करता हूँ वैल्यू, तो आप देखें दोस्तों कि यहाँ पे हमारा वन नंबर आ चुका है, मतलब इस पूरे रेंज में हमारा एक सेल ब्लैंक है। जैसे करते हैं साइंस में डिलीट करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये इंक्रीज हो गया है काउंट ब्लैंक टू। ओके फ्रेंड्स, इसे करेंगे यहाँ से फिर से वैल, तो आप देखें दोस्तों की हमारा सामने एस हो गया है, और यहाँ पे हम कर लेंगे अपना कोई भी मार्क्स को एंटर। अब आ रहे दोस्तों हमारे काउंट ए, दोस्तों किस वैल्यू को हमें फाइंड करना है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 16, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देखें दोस्तों कि हमारा यहाँ पे लिख के आ रहा है 2, तो फाइंड करते हैं कि अपनी रेंज में कितना 16 है। तो आप देखें दोस्तों कि हमारा पहला 16 है मैथ में और दूसरा है हमारा इंग्लिश में, इसलिए दोस्तों यहाँ पे हमारा आ रहा है 2। जैसे हम दोस्तों यहाँ पे इसको इंक्रीज करते हैं 16 को, तो आप देखें दोस्तों कि हमारा यहाँ पे 3 आ गया। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे करते हैं एक और 16 इंक्रीज, यहाँ पे 4। तो आपने दोस्तों जो यहाँ पे वैल्यू दी थी इसे 16 को ही काउंट करेगा। तो चलिए दोस्तों इसे को अप्लाई कर लेते हैं, इक्वल टू काउंट एफ, यहाँ पे एफ है, यहाँ दे देंगे अपने दोस्तों रेंज, यहाँ पे कॉमा, यहाँ दे देंगे दोस्तों उसके बाद 42, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो अब देखें दोस्तों कि यहाँ पे हमारा 2 आ चुका है, एक 42 है दोस्तों हमारा ये रहा, और एक और होगा हमारा इस रेंज में 42 दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, जैसे हम यहाँ पे इंक्रीज करेंगे 42 को, तो अब देखो दोस्तों कि यहाँ पे हमारी वैल्यू चेंज हो गई है। ओके फ्रेंड्स, अब बारी दोस्तों हमारी लेंथ, लेंथ दोस्तों हमारे कैरेक्टर को काउंट करता है। जैसे कि आप सपोज करिए इक्वल टू लेंथ, यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे दोस्तों कर लेता हूँ सौरभ को, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देखें दोस्तों कि यहाँ पे इसकी लेंथ की वैल्यू आ रही है 7। हमारे सौरभ में दोस्तों कितने अल्फाबेट्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इतने यहाँ पे इसका आपको धारा 7 इसको लगाते हैं इक्वल टू लेंथ ब्रैकेट स्टार्ट, अब करते हैं उसे काउंट हमारे ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देख रहे हैं कि दोस्तों हमारे यहाँ पे 25 में कितने वर्ड्स हैं, 2 2 और 5, इसलिए यहाँ पे हमारा वैल्यू आ रही है 2। तो अब करते हैं इक्वल टू हमारे दो वर्ड के बीच के स्पेस को रिमूव करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कोई नाम, जैसे कि लिख लेते हैं यहाँ पे रोहित, यहाँ पे लिखते हैं स्पेस और यहाँ लिख देते हैं कुमार। ओके फ्रेंड्स, अब दोस्तों हमारा ट्रेन फॉर्मूला क्या करेगा, जो ये रोहित और कुमार के बीच में जितना भी स्पेस है ये दोस्तों रिमूव कर देगा और एक सिंपली दो वर्ड के बीच में स्पेस को ये रहने देगा। तो यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला इक्वल टू ट्रिम, यहाँ कर लेंगे
तो ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे हमारा सिंपल नाम आ गया है। यहाँ पे हम नाम चेंज कर लेते हैं अपना, जैसे कि मोहित। यहाँ पे देखेंगे बहुत सारा स्पेस, तो यहाँ लिख देंगे कुमार। तो आप देखें दोस्तों इसमें ये भी स्पेस यहाँ पे रिमूव कर दिया। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों ये थे कुछ हमारे एक्सेल के टॉप 10 फॉर्मूला। अगर दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को दोस्तों हमारे सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट